फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी छोटी सी धनतेरस की शॉपिंग। तो मैंने वही शॉपिंग करी है जो मुझे रिक्वायरमेंट थी फेस्टिवल, जो दिवाली फेस्टिवल के लिए मुझे चाहिए था, मैंने सिर्फ वही लिया है। अननेसेसरी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और अभी जैसे कि आप देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो आपको मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अपनी धनतेरस की शॉपिंग शो कराने से पहले एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी दिवाली से। जो ये दीप होते हैं मैं इनसे स्टार्ट करना चाहती हूँ। दिवाली इसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप लाइट्स लगाइए, चाहे आप कैंडल्स लगाइए, कुछ भी लगाइए, बट मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी मतलब सोच बता रही हूँ कि मुझे दिवाली इसके बगैर तो बिल्कुल अधूरी लगती है। तो मैं हर बार ये ज़रूर लेती हूँ। तो अभी इस टाइम तो ये इतने हैं। सो अभी मुझे नहीं पता ये पतिदेव जी लेके आए कितने हैं, मुझे नहीं पता। तो पर मैं ये जरूर मंगाती हूँ, हर साल मंगाती हूँ, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स इसी तरह से करते थे तो हमने भी उनसे यही सीखा है। तो बस ये दिवाली मैंने मंगाई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली जलाना। हर तरफ पर कम से कम कुछ नहीं तो 51 हो, इतने तो मैं जला ही लूँ, बहुत पसंद है मुझे। मैं कैंडल्स भी लगाती हूँ, लाइट्स भी लगाती हूँ, बट मैं दिवाली को कभी भी मिस नहीं करती। इन्हें मैं हमेशा जलाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे गाइस। सो इस बार के पता है मुझे बड़े क्यूट से लगे, देखिए कितने अच्छे लग रहे ना, मतलब कि यहाँ पे बाती रखने के लिए भी बना हुआ है। एक्चुअली मैंने ऐसे प्लेन देखा है, इसमें मैंने प्लेन देखा है, डिजाइनर दिए भी होते हैं बट ये वाले जो है ना इसमें प्लेन होते हैं गोल गोल, बट इस बार भी कुछ ऐसे क्यूट से अच्छे लग रहे हैं। और ये जितने भी है ना ये सारे के सारे ऐसे ही हैं, बहुत अच्छे लगे मुझे क्यूट से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ना कितने अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे लगे मुझे कुछ। तो इन्हें जलाना कभी मिस मत करिएगा, इन्हें हमेशा जलाइएगा, मिट्टी के दिए बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हमारी जहाँ मर्जी हम वहाँ रख देते हैं, और उसको रखने के बाद कम से कम 11 भी और 11 21 भी एक जगह पे रखोगे ना, माय गॉड इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है जलते हुए दियो को देखना। पर्सनल मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने इससे की है। सो इसे अब करती हूँ साइड। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा, ये जो एक बड़ा दिया होता है ना, जो माँ लक्ष्मी को हम पूरी रात अखंड जोत जलाते हैं देसी घी का, तो ये वो दिया मैंने इनसे मंगवाया है। और इसी के ऊपर हम लोग काजल बनाते हैं। सो ये जो होता है कच्ची मिट्टी का होता है, इसे मतलब पकाया नहीं जाता, तो ये जस्ट इसके ऊपर ऐसे होता है तो इसमें काजल बन जाता है। अब तक मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं तो काजल लगाती थी अपने बच्चों को, वो भी घर का, हमेशा लगाती थी जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, वो भी घर का बना हुआ। तो ये ऐसे, तो ये है दो दिए, एक काजल के लिए, ये जो सारी रात जलेगा, पूरी रात जलेगा, ये अखंड ज्योत बोलते हैं जिसे। तो ये मैंने मंगाया था और अब इसे भी कर, बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये बेल फूलों की, देखिए कितनी प्यारी, अगर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, वाव। इन्हें जैसे मुझे दिखाया है मैंने कहा वाव कितना प्यारा सा है। एक्चुअली मैंने येलो देख, मैंने ना येलो मंगवाए थे पिछली बार, तो इस बार मैंने ये देखे तो मुझे बड़े अच्छे लगे, पिंक पिंक। तो बताइएगा कैसे लगे। ओके देखिए क्यूट से, तो इसे भी मैं साइड करती हूँ। ओके नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ, सच बताऊं जब मेरे पतिदेव जी लेके आए ना मार्केट से, और ये शॉपिंग सब उन्हीं के हाथ की है, मैं नहीं गई थी तो धनतेरस की, तो हाँ मैं क्या बता रही थी, तो जब मेरे पतिदेव जी लेकर आए ना ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ, दिखाने वाली हूँ आपको, तो ये मुझे इतना अच्छा सा लगा, तो मैंने कहा अरे आपने ये कैसे ले लिया, तो इन्होंने झट से बोला मुझे क्यूट लगा मैंने इसलिए ले लिया। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, सच में इतना क्यूट है ना, आप भी देखोगे तो आप भी बोलोगे वाओ। देखिए ये हमारे उधर इसको डलिया बोलते हैं,
और मुझे नहीं पता और जगह पे क्या बोलते हैं, पर आप देख के समझ जाइएगा। ये देखिए छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट, कितनी प्यारी है ना। अरे हाँ एक और है ये देखिए, बहुत क्यूट गाइस, मुझे तो इतनी प्यारी लगी, इतनी प्रिटी लगी, क्या बताऊँ। कोई कोई चीजें कितनी प्यारी लगती है कि कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी, चाहे इसका कलर कॉम्बिनेशन हो चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छी लगी। सो मैं इसको जरूर यूज में लूंगी, आप देखिएगा मेरे दिवाली व्लॉग्स में। तो ये करती हूँ मैं साइड, और मैं आपको दिखाती हूँ ये और भी चीज लेके आए। तो ये लेके आए हैं रेडीमेड रंगोली, ये स्टिकर है रेडीमेड, दो है तो ये है दो स्टिकर वाली रंगोलियां। तो अभी मैं देखती हूँ मैं इनको कहाँ पर लगाती हूँ। आई थिंक सेम ही डिजाइन है, सेम 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 डिजाइन है, बहुत ही प्यारी सी। तो ये है, इसे भी साइड करते हैं, दिखाते जाओ साइड करते जाओ। तो सो ये है मेरा नेक्स्ट शॉपिंग। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या था बॉक्स के अंदर, आ भी नहीं रहा। ये है मेरा ओवन, बाटी ओवन, अच्छा लिया ना। सो धनतेरस पे लिया है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं ये धनतेरस में हमारे वहां तो बर्तन जरूर लिए जाते हैं, नए बर्तन, और नए बर्तन की हम पूजा करते हैं। जिस दिन दिवाली की पूजा होती है ना, उसी दिन हम लोग नए बर्तन की भी पूजा करते हैं। जो भी नया बर्तन होता है आपके किचन को, किसी भी नए बर्तन की रिक्वायरमेंट हो या जो भी है, आपको जो लेना चाहते हो आप, तो हम लोग धनतेरस में लेते हैं और उसकी पूजा जरूर करते हैं। जिस दिन हम दिवाली में रात पूजा करते हैं, उसी दिन हम अब नए बर्तन की पूजा करते हैं। सो ये मैं अपने यहाँ बचपन से देखते आ रही हूँ, मेरी मम्मा ऐसे ही करती थी। कोई भी बर्तन हो या कुछ भी उनके किचन की रिक्वायरमेंट होती, मेरी हमेशा मेरी मम्मा धनतेरस वाले दिन वो बर्तन लेती थी, चाहे स्टील का हो चाहे जैसा हो। आज मम्मा उसकी पूजा करती थी दिवाली वाले दिन, और उसके बाद फिर उसको यूज में लेते थे। तो सेम मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं हर धनतेरस के दिन जो मेरे किचन को रिक्वायरमेंट होता है उसे मैं परचेस करती हूँ धनतेरस वाले दिन, और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं दिवाली की रात। और जैसे नॉर्मली पूजा होती है ना, वैसे बस पूजा के मतलब जहाँ भी पूजा करते हैं हम, वहां पे उस बर्तन को रख देते हैं, और उस पे मतलब छोटा सा स्वास्तिक का निशान बना देते हैं। जैसे स्वास्तिक बहुत ही शुभ होता है, तो उसमें स्वास्तिक का निशान बनाकर और उसके बाद उसकी पूजा करके उसके बाद उसको यूज करते हैं। हर धनतेरस को कोई बर्तन लेते हैं, उसके बाद उसको पूजा करके फिर यूज करते हैं। तो सो इस बारी मेरा ये है बाटी ओवन, तो इस बारी इसको मैं रखूंगी अपनी पूजा पर। और इस पति देव को कभी दाल बाटी खाने का मन होता था तो हम लोग क्या करते अपने माइक्रोवेव में उसको बनाते थे, पर माइक्रोवेव में बनाने पे वो बात नहीं आती जो इस ओवन में आती है। सच में एक्चुअली जो मतलब जिसे हम हीट से पकाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा टेस्ट आता है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ इसको पूरा अच्छे से, मैं आपको शो कराती हूँ। तो ये तो है बाटी का जो ओवन का है लेड, ये काफी बड़ा है साइज में ये। तो ये है, इसके साथ ही एक चिमटा मिला है हमें, चिमटा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, सब चिमटा ही बोलते होंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं कैसी बातें कर रही हूँ। तो ये चिमटा है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, इससे बाटियां पलटते हैं, इसीलिए होगा। तो और ये वो है जिसमें हम अपनी बाटियां बेक करेंगे। ओके ये देखिए, जस्ट ऐसे ऐसे बाटियां रख देंगे और इसमें बाटियां हमारी बेक होंगी। तो ये तो वो है, और ये है हमारा ओवन, और इसको बस गैस के ऊपर ऐसे रखेंगे इस तरह से, और उसमें कुछ होल है, देखिए ढेर सारे होल है, उसी के ऊपर ये बेक करने वाला होगा इस तरह से, और बस। और आई थिंक ये वुडन का है, ये हैंडल है वुडन का, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसे ऐसे इसमें फिट हो जाएगा, और ये इसका हैंडल होगा। क्यों, अब मैं अपने पति देव जी को दाल बाटी खिला सकती हूँ अच्छे से आराम से, और खुद भी खा सकती हूँ। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और एक मिनट में चेक करूँ कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है।
ओहो, ये है ना यहाँ पे, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये मिस हो रहा था, तो मुझे तो कुछ लग रहा था कि मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, तो ये तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो ये है वो कलर्स जो मैं मिस कर रही थी। इसमें है ग्रीन, व्हाइट, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज एंड पिंक। ये देखिए, मैं बनाऊंगी दिवाली वाले दिन रंगोली, और रंगोली बनाना मुझे बहुत पसंद। एक्चुअली में होता है कहना कि अगर घर पर कोई शुभ काम हो तो रंगोली जरूर बनानी चाहिए। आप एक स्वास्तिक बनाएं, बट रंगोली जरूर बनानी चाहिए शुभ काम में। तो इसकी वजह से मैं हमेशा रंगोली बनाती हूँ। जरूर देखिएगा दिवाली ब्लॉग, ओके, कमेंट करके जरूर बताइए छोटी सी धनतेरस की शॉपिंग आपको कैसी लगी। और आप प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं तो इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो लेकर आती रहती हूँ, और कहीं आप मिस ना हो जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बगल में उसके जस्ट उसके बगल में ही नोटिफिकेशन बेल है, उसको जरूर प्रेस करना। ओके, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। मेरे व्लॉग का वेट करना और अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, पक्का। बाय बाय।